Hello students, now our topic is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor होता क्या है, इसको जरा समझिए. किसी भी capacitor का जो नाम है वो depend करता है उसकी shape पर. अगर हमने capacitor को बनाने के लिए दोनों conductor spherical लिए हैं तो वो कहलाएगा spherical capacitor, cylindrical form में लिए हैं तो वो कहलाएगा cylindrical capacitor. और अगर मैंने capacitor को बनाने के लिए अपने दोनों conductor ले लिए हैं इन द शेप ऑफ प्लेट तो वो कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर हमारा कैपेसिटर में दोनों कंडक्टर प्लेट की फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आप बोल सकते हैं इट इज द कैपेसिटर in which both the conductor are in the shape of plate, जिसमें दोनों ही conductor क्या हो, plate की shape में हो. तो हमने ये एक प्लेट ये ले लिया है, एक कंडक्टर ले लिया है और ये हमने ले लिया है दूसरा कंडक्टर. इसको मैं नाम दे देता हूं प्लेट ए, इसको नाम दे देता हूं प्लेट बी. ओके, अब फिलहाल तो ये दोनों कंडक्टर हैं, दोनों के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन. जैसे ही मैं दोनों कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच करता हूं, ये हमने यहां पर एक की ले लिया, ये हमारी एक बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है, वी वोल्टेज. तो जैसे मैं इस की को क्या करता हूं, ऑन करता हूं, तो जैसे मैं इस की को ऑन करूंगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ आउट करना, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का काम क्या है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना. तो ये जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है इसमें से ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जैसे ही बैटरी का प्लस टर्मिनल इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, वन प्लस. उसी वक्त बैटरी का निगेटिव टर्मिनल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बी के पास और बी पर आ जाएगा एक निगेटिव टर्मिनल. समझिए आप इस बात को, बैटरी के दोनों टर्मिनल का काम समझिए. बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल उसी वक्त उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल देता है. प्लस टर्मिनल जितने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, निगेटिव टर्मिनल उतने ही इलेक्ट्रॉनों को उसी वक्त निकाल देगा. अब प्लस टर्मिनल कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा या निगेटिव टर्मिनल कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये डिपेंड करता है बैटरी के वोल्टेज पर. जितना ज्यादा बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन लेगा और उतने ही ज्यादा निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देगा. Hello students, now our topic is parallel plate capacitor. What is parallel plate capacitor? किसी भी capacitor का जो नाम है वो depend करता है कि उसको बनाने के लिए capacitor की shape कैसी है. अगर capacitor को बनाने के लिए हमने conductor लिए spherical तो वो कहलाएगा spherical capacitor, और अगर हमने capacitor को बनाने के लिए conductor लिए cylindrical form में तो वो कहलाएगा cylindrical capacitor. तो इसी तरह से अगर हम किसी कैपेसिटर को बनाने के लिए दोनों कंडक्टर किस फॉर्म में ले लें, प्लेट फॉर्म में ले लें, तो तब वो कहलाएगा, और वे दोनों प्लेट क्या हो, पैरेलल हो, तो तब वो कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आप बोलेंगे इट इज द कैपेसिटर इन विच बोथ द कंडक्टर आर इन शेप ऑफ
प्लेट, तो ये बात समझा भाई। लेकिन आप इसमें एक बात समझ लीजिए कि ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं प्लेट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन वे दोनों प्लेट्स सर्कुलर भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर भी हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। बस हमें दो कंडक्टर, दो प्लेट चाहिए जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, लेकिन ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो हमेशा रेक्टेंगुलर ही हो, उन दोनों प्लेट की शेप कैसी भी हो सकती है, दोनों स्पेरिकल, दोनों सर्कुलर हो सकती है, दोनों ट्रायंगुलर हो सकती है, दोनों हेक्सागोन हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है, इवन दोनों प्लेटों की शेप अलग अलग भी हो सकती है, मान लीजिए एक सर्कुलर तो एक ट्रायंगुलर, लेकिन बशर्ते दोनों क्या होनी चाहिए। तो ये है डेफिनेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है वो हम देखेंगे। तो हम क्या, हम दो प्लेट लेते हैं, ये हमने एक प्लेट लिया, ये हमने एक दूसरा प्लेट लिया, प्लेट ए प्लेट बी, दोनों ही कंडक्टर हैं, बोथ आर कंडक्टर, ओके। अब मैंने क्या किया, दोनों प्लेटों को एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और यहां पर हमने लगा दी एक की, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल। बैटरी के प्लस टर्मिनल का काम क्या होता है, बैटरी के प्लस टर्मिनल का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचना कंडक्टर में से, और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल का काम क्या होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से निकाल देना। बैटरी का प्लस टर्मिनल अगर 10 इलेक्ट्रॉन खींचता है तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल उसी वक्त 10 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से क्या कर देगा, निकाल देगा। तो जैसे ही मैं इस की को क्या करता हूं, ऑन करता हूं, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल ए में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल उतने ही इलेक्ट्रॉनों को किसको देता जाएगा, बी को देता जाएगा। अब बैटरी का प्लस टर्मिनल कितने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा ये डिपेंड करेगा बैटरी के पोटेंशियल पर। इस बैटरी का कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल उतने ही इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा और निगेटिव टर्मिनल उतने ही इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देगा। तो बैटरी का प्लस टर्मिनल इसमें से ए में से क्या इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा इस प्लेट पे उतना ही क्या आ जाएगा, प्लस, और जितने इलेक्ट्रॉन खींचे गए बाय द पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल उतने ही इलेक्ट्रॉन दे देगा बी को, तो बी पर उतना ही क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कितने, अब देखिए दोनों प्लेटों पर चार्ज कैसा आएगा, इक्वल अमाउंट पाएगा, बस एक पे प्लस दूसरे पे उतना ही। जब हम दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी दोनों प्लेटों को क्या करती है, चार्ज करती है, और जब बैटरी इन दोनों प्लेटों को चार्ज करती है ना, तो उस वक्त वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करती है, ओबे करती है। इस बात को आप नोट कर लें, ड्यूरिंग द चार्जिंग बैटरी ओबे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी जब आपने, देखिए जब हमने की को ऑफ रखा था, हमने दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ा लेकिन की को क्या रखा, ऑफ, की को ऑन नहीं किया, तो इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो, तो दोनों को, दोनों के चार्ज नेट चार्ज, देखिए इस पर चार्ज जीरो, अभी की ऑन नहीं है, बैटरी ने चार्ज नहीं दिया है, तो इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, दोनों का चार्ज जीरो प्लस जीरो, समझे बात आ रही। लेकिन जैसी आप की को क्या करते हैं, ऑन, तो बैटरी इसके कुछ इलेक्ट्रॉनों को ले लेगी, इस पर प्लस, और उतना ही इलेक्ट्रॉन इस दूसरे प्लेट को दे देगी, यानी उतना ही माइनस। तो चार्जिंग के बाद जितना प्लस उतना ही माइनस, तो अगर हम नेट चार्ज निकालें तो प्लस और माइनस दोनों फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो।
यानी चार्जिंग से पहले कैपेसिटर पर नेट चार्ज जीरो और चार्जिंग के बाद भी कैपेसिटर पर नेट चार्ज जीरो। तो यानी जो बैटरी दोनों को चार्ज करती है वो किसको ओबे करती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो बैटरी हमने दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ा, बैटरी ने एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस जनरेट कर दिया और इस प्लस और इस माइनस की वजह से दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दोनों प्लेटों के चार्ज की वजह से दोनों प्लेटों के बीच में क्या जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए मैं इनको प्लेटों को नाम दे देता हूं एक्स और वाई। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, ए बी भी सही थे। नहीं, देखिए ये जो दोनों प्लेट है इन दोनों का कुछ ना कुछ, ये जो दोनों प्लेट है इन दोनों का कुछ ना कुछ क्या हुआ, एरिया। इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए, और दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ क्या होगी, डिस्टेंस भी होगी। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद आ गया आपको सर। माइनस माइनस होती है वेक्टर फॉर्म, हमने केवल क्या लिया, स्केलर फॉर्म लिए, ओनली मैग्नीट्यूड। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जब दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है तो दोनों के बीच एक क्या जाएगा, पोटेंशियल भी तो आ जाएगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। यहां लिख लेता हूं स्केलर फॉर्म, इसलिए माइनस नहीं लिया, हमने क्या लिया, स्केलर फॉर्म। तो क्या ये सारी कहानी समझ में आ गई, हमारे पास हमने दो कंडक्टर लिए, कंडक्टर किस फॉर्म में लिए, प्लेट की फॉर्म में, ठीक है। दोनों को एक बैटरी से जोड़ा, बैटरी ने एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस प्रोड्यूस कर दिया। दोनों पे चार्ज आते ही दोनों के बीच में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेटों का कुछ ना कुछ एरिया होता है, दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ क्या होती है, डिस्टेंस। और जैसे इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों के बीच एक पोटेंशियल भी आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं अपना मेन काम, हमने कैपेसिटर तो बना दिया, अब ये कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करेगा, यानी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी वो हम पता करते हैं। तो लेट्स सी, वी हैव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये हमारा जनरल फॉर्मूला। मान लीजिए प्लेटों पर ये जो चार्ज है, प्लेटों पर कुछ चार्ज आया इस बैटरी की वजह से, मैं कहता हूं वो आया प्लस क्यू, और इस प्लेट पे उतना ही क्या आया, निगेटिव, जितना प्लस उतना ही माइनस। ये मेरी प्लेट हो गई x और ये मेरी प्लेट हो गई y। ओके, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है, c मेरा आ जाएगा अगर मुझे q और v की वैल्यू पता चल जाए, इक्वेशन नंबर वन। तो q तो हमें मालूम है, हमें क्या चाहिए, v चाहिए। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, चैप्टर वन में हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, याद है, और गॉस की तीन एप्लीकेशन थी, स्ट्रेट वायर और स्पेरिकल शैम और एक पैरेलल शीट। तो किसी भी शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, आपको याद है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एक प्लेट की वजह से कितना था, अगर हमारे पास एक सिंगल प्लेट है और उस पर चार्ज है तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती थी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। अगर दो प्लेट हैं तो कितना होगा, तब एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ दो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमने आपको बता रखा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पर अभी देखिए, सिंस V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला मालूम है क्योंकि हमें V की वैल्यू चाहिए, तो E की वैल्यू यहां से पुट कर दें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी, ये बात क्लियर हो गई। ओके, V इज इक्वल टू, आपको याद है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता था, Q
क्यू अपॉन ए। हाँ, चैप्टर वन में सिखाया था लैम्डा की वैल्यू, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं सिग्मा की वैल्यू रख देता हूं क्यू अपॉन ए। तो ये v की वैल्यू समझ में आ गई। अब इस v की वैल्यू को मैं रखूंगा इक्वेशन वन में। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन वन वी गेट। तो वीडियो को पॉज करके पहले यहां तक आप राइट अप कर लीजिए। तो ये हमारी v की वैल्यू आई है, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है, c इज इक्वल टू q अपॉन v। तो c इज इक्वल टू q, v की वैल्यू पुट करिए, q a एप्सिलॉन d, ये हमने v की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से c क्या हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट, a एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा, d नीचे आ जाएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। So this is the capacitance of parallel plate capacitor when air exists between the medium। देखिए दोनों प्लेटों के बीच में एक गैप है, we have a gap between the plates। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कौन है, खाली जगह है, और खाली जगह में क्या है, एयर। तो ध्यान रखिए इस बात को कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, एयर होगा, यानी ठीक है मीडियम क्या होगा, एयर। अच्छा, इसमें एक खास बात और समझ लीजिए, जैसे हमने दोनों कैपेसिटर को शुरू में देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरे दोनों कैपेसिटर थे, सॉरी ये दोनों क्या थे, अभी हम की को ऑफ कर देते हैं, ये दोनों क्या थे, कंडक्टर। हमने दो कंडक्टर लिए एक्स और वाई, बैटरी से जोड़ा, लेकिन की को अभी क्या करा, ऑफ। तो इस पर चार्ज जीरो, इस पर चार्ज जीरो। जैसे मैंने की को क्या किया, ऑन किया, तो प्लस टर्मिनल की वजह से यहां पर कुछ प्लस आ जाएगा, और निगेटिव टर्मिनल की वजह से यहां पर उतना ही क्या आ जाएगा, निगेटिव। कितना प्लस आएगा, कितना माइनस आएगा, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ही ज्यादा प्लस माइनस। लेकिन एक खास सवाल जो बोर्ड में, एक खास सवाल बोर्ड में पूछा जाता है वन मार्क्स में, कि जब हम कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ते हैं तो दोनों प्लेटों पर चार्ज आ जाता है, ओके। लेकिन जब दोनों प्लेटें चार्ज हो गई, उसके बाद अगर मैं अपनी बैटरी को हटा दूं, बैटरी को रिमूव कर दूं, तो दोनों प्लेटों के चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। दोनों प्लेट एक बार चार्ज को क्या कर लें, बैटरी से रिसीव कर लेती हैं, फिर चाहे आप बैटरी को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, चार्ज उन पर क्या करेगा, एक्सिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अगर चार्जिंग के बाद बैटरी को हटा दिया जाए तो दोनों प्लेटों के चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस बात कंसेप्ट को समझ लीजिए, इवन न्यूमेरिकल में भी काम होता है। तो बैटरी को हटाने के बाद चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको हम ये लिख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये आपने कर लिया होगा, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले लिख लेना, अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए क्वेश्चन करके, व्हाट हैपन इफ बैटरी रिमूव आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर। तो आंसर आएगा, आफ्टर रिमूविंग द बैटरी चार्ज ऑन प्लेट्स रिमेन सेम। तो दो कैपेसिटर थे, बैटरी लगाया, बैटरी ने दोनों को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, बैटरी को हटा दिया, चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा। बात समझ आ गई। अब अगर मैं
इन दोनों प्लेटों को किसी वायर से जोड़ दूं तो क्या होगा? ये सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इफ बोथ प्लेट ऑफ कैपेसिटर जॉइन चार्ज गेट डिस्चार्ज। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर दोनों प्लेटों को किसी वायर से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे जितना चार्ज इन पाया था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और यही काम होता है हमारे फैन में, हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में। बैटरी कैपेसिटर को क्या कर देते हैं? चार्ज। और जैसे आप स्विच ऑन करते हैं दोनों प्लेटों का चार्ज एकदम फैन को मिल जाता है, फैन एकदम स्टार्ट होता है कट ऑफ दिस। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे थे, आपको समझा गया। तो ये हमने अपना क्वेश्चन तैयार किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है किन बातों पर डिपेंड करता है। नाउ फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, यानी वी हैव सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन ओवर डी। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो हमें देखना है ये सी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, मान लीजिए ये दोनों प्लेट, दोनों का एरिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस और मीडियम क्या है? एयर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर को रिप्रेजेंट। चलिए, तो सबसे पहले सी डिपेंड करेगा ए पर। प्लेटों का एरिया जितना ज्यादा होगा बैटरी दोनों प्लेटों को उतना ही क्या चार्ज दे पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उतना ही ज्यादा चार्ज क्या बढ़ रहा है। तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, हायर द एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट हायर द कैपेसिटेंस। चलिए दूसरा, डिस्टेंस के क्या रहेगा? इनवर्सली, यानी कैपेसिटर कब चार्ज को ज्यादा स्टोर कर पाएगा? जब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम। और अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा, तो चार्ज उतना स्टोर नहीं हो पाएगा। रीजन समझ लीजिए। देखिए, अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है कम, ठीक है, तो एक प्लेट पे जितना प्लस होता है दूसरी प्लेट को उतना ही क्या होता है? माइनस। और अगर हम दोनों प्लेटों को क्या ले लें? दूर ले लें, तो क्या होगा? तो देखिए, यहां d कम है, d डैश ज्यादा। अगर प्लेटें पास पास हैं तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो सीधी चलती है, ठीक है। लेकिन अगर प्लेटें दूर हैं तो बीच वाली इलेक्ट्रिक लाइन तो सीधी चलेंगी, लेकिन जो प्लेटों के कॉर्नर की इलेक्ट्रिक लाइन है वो बेंड हो जाएंगी। अगर दोनों प्लेटें दूर हैं तो कॉर्नर, दोनों प्लेट अगर क्लोज है तो इलेक्ट्रिक लाइन सीधी चलेंगी, फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन अगर दोनों प्लेटें दूर हैं तो बीच में तो इलेक्ट्रिक लाइन सीधी चलेंगी, फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन जो प्लेटों के कॉर्नर की इलेक्ट्रिक लाइन है वो बैंड हो जाएंगी, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, फील्ड वीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं
ये जो इलेक्ट्रिक लाइन कोने से बेंड हो जाती है इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो अगर कभी वन मार्क्स में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, तो आप बोलेंगे व्हेन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर फार अवे देन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द कॉर्नर गेट बेंड, दिस इज कॉल्ड द फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। इसी को बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यानी स्ट्रॉन्ग, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड उतना यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं यानी वीक, और वीक है तो चार्ज को उतना स्टोर नहीं कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, लास्ट जो सी है वो डिपेंड करेगा ऑन मीडियम, कौन सा मीडियम, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में आप क्या मीडियम लेते हैं इस बात पे भी इसकी कैपेसिटेंस क्या करती है डिपेंड करती है। तो दीज आर द थ्री फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। वन मार्क्स में इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि डी को कम कर दें ज्यादा कर दें तो क्या होगा, या एरिया को कम ज्यादा कर दें तो क्या होगा। इवन दीज कंसेप्ट आर यूजेबल इन न्यूमेरिकल ऑल्सो, वेन वी विल डू द न्यूमेरिकल, तो दीज कंसेप्ट विल हेल्प यू देयर। ओके, वी हैव अ न्यूमेरिकल, टू कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट द प्लेट एरिया ऑफ सी टू इज डबल देन सी वन। हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर में प्लेटों का डिस्टेंस सेम है, यानी डी की वैल्यू सेम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सेम होती है, लेकिन एक कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया ज़्यादा है, दुगना है दूसरे से। तो हमें एक ग्राफ भी दिया है और हमसे कहा है इस ग्राफ में दो लाइन है ए और बी, तो बताइए कौन सी लाइन किस कैपेसिटर के लिए होगी। तो जरा सीबीएसई 2006 एंड 14, तो देखिए सिंस सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डी, ये हमारे पास कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। अब डी की वैल्यू सेम दे रखी है सी वन और सी टू के लिए, और एप्सिलॉन तो होता ही है, यानी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। अब उसने कहा है दूसरे कैपेसिटर का जो एरिया है वो ज्यादा है किससे, पहले कैपेसिटर के एरिया से, तो इसका मतलब C2 ज्यादा होगा किससे, C1 से। दूसरे कैपेसिटर का एरिया पहले कैपेसिटर से ज्यादा है, तो इस कंसेप्ट से दूसरा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी। ये तो बात समझा गई। अब इसने कहा है कौन सी लाइन A और B में से C1 के लिए होगी और C2 के लिए होगी। ओके, अगर आपको याद हो जब हम Q और V के लिए, देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, C is equal to Q over V, याद आ रहा, tan theta is equal to perpendicular, C is equal to Q over V, यह हमारे पास फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है tan theta is equal to perpendicular upon base, तो C tan theta से resemble हो रहा है, तो Q किससे हो रहा है perpendicular से, V किससे हो रहा है base से, और tan theta को हम क्या बोलते हैं, slope बोलते हैं, बोलते हैं। तो जब हम चार्ज लेंगे परपेंडिकुलर और वोल्टेज लेंगे बेस में, तो उस वक्त जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटेंस को। तो अगर हम ग्राफ को देखें, फ्रॉम ग्राफ स्लोप ऑफ ए ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, साफ दिखाई दे रहा है ए का स्लोप ज्यादा है बी का स्लोप कम है, और हमें मालूम है जिसका स्लोप ज्यादा उसके लिए क्या सी, देखिए मैच कीजिए दोनों को, परपेंडिकुलर अगर चार्ज से मैच हो रहा है, बेस अगर वोल्टेज से मैच हो रहा है, तो स्लोप किससे मैच हो रहा है कैपेसिटेंस से, तो ए का स्लोप ज्यादा है बी का स्लोप कम है, तो जिसका स्लोप ज्यादा यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो देखिए C2 greater than C1, CA greater than CB, तो यानी लाइन A represent कैपेसिटर
लाइन ए किसको रिप्रेजेंट करेगी, कैपेसिटर टू को, और लाइन बी रिप्रेजेंट कैपेसिटर वन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।